ईंटे के भट्ठे के अंदर कोयला कैसा सुलगता है ये देखिए, जैसे लावा जलता रहता है, बिल्कुल वैसे ही ये अंदर एकदम खतरनाक टाइप से कोयला जल रहा है। पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमारा लगने वाला है बेसिन, मतलब ये किचन के बाहर का हिस्सा है, लेकिन अंदर की तरफ यहाँ पे हम लोग जो है एक नल देंगे बोला था, और इस हिस्से में लगेगा ग्रेनाइट। तो हमारे जो सौरभ भाई रहते हैं रायपुर में, तो वो एक सिंक का मेरे को फ़ोटो भेजे जिसमें नल जो है नीचे की तरफ से लगता है, तो ये जो हिस्सा है ये मैं करने वाला हूँ कैंसिल, और ये जो पाइपलाइन है हम लोग यहाँ नीचे से देंगे, और नीचे से वो पाइपलाइन जाके उस सिंक पे फिट हो जाएगा। गांव देहात में बहुत तकलीफ़ होता है मिस्त्रियों का, खासकर तो प्लम्बिंग का काम हुआ, तो एक जो मिस्त्री होता है वो कई बिल्डिंगों का काम लेके रखा हुआ रहता है, ये खासकर नल बिजली वाला, जिसकी वजह से हमारा जो भी काम है वो ब्रेक लगता रहता है। तो ये है अंदर से वो पॉइंट, देखिए इस पॉइंट को अपन करेंगे कैंसिल, और इस जगह से उस पॉइंट को निकालेंगे, ताकि नीचे से ये अपने कोने में सिंक रहेगा, नीचे से अपन उसको नल में कनेक्ट कर देंगे। और पहले से अपन सारी पॉइंट्स छोड़ चुके हैं, ये हमारा जो पॉइंट होगा ये देखिए, ये है पॉइंट, मतलब ये इनकमिंग है नल का, इसमें अपन देंगे वाटर फिल्टर के लिए, मैं फ़िलहाल कर रखा हूँ इस पॉइंट को, और ये बिजली का बोर्ड रहेगा, और ये एक नल रहेगा सामान्य नल, सामान्य नल जो टंकी से फिटिंग रहेगा, और एक ये डायरेक्ट रहेगा बोर से, जो हम लोग बोर चालू करेंगे तो सीधा फ्रेश पानी यहाँ पे आएगा, जिससे हम घघरा वगैरह सब अपना अभी दिन भर का पीने का पानी यहीं से भर लें। तो कुछ इस टाइप का सेटअप रहेगा, और ये जो अपने राइट साइड यहाँ पे दे रखा हूँ एक प्लग, जो मिक्सी वगैरह हो गया उसके लिए, जो भी माइक्रोवेव हो गया मिक्सी हो गया उसके लिए एक पॉइंट अपन यहाँ पे दे दिए हैं। ये देखिए कुछ ऐसा है किचन, फिलहाल तो अजीबोगरीब दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पे बनाना है मेरे को स्लेप अब, और ध्यान दें जब भी हम लोग स्लेप बनाए ना, आप लोग जब भी किचन का ये जो स्लेप तैयार करते हैं, तो पहले ये फाइनल कर लें कि नीचे से आपका जो ज़मीन है वो लगभग कितना उठेगा। तो लगभग ये मेरा जो नीचे का हिस्सा है ये लगभग 1 से 1.5 इंच उठना है, और वह उठने के बाद जो आपका गैस सिलेंडर होता है उस सिलेंडर को आप लोग जरूर नाप लें, उसकी हाइट को, कि आपका जो गैस सिलेंडर होता है उसकी हाइट कितनी होती है। तो उस हाइट को नापने के बाद लगभग 2 इंच जगह आप लोग छोड़ दें, उसके बाद फिर स्लेब का सबसे निचला हिस्सा, जैसे ये स्लेब है ना, तो स्लेब का जैसे मेरा ये अंगूठा, इस हिस्से को नीचे रखें, उसके ऊपर जो भी आपको हाइट लेना है वो ढलाई हो जाए। और ये है कुछ खटिए का हाल, हमारे जो लेबर वगैरह जो आते हैं काम करने वाले, उन लोग खटिए का कुछ ऐसा हाल कर रखे हैं, देखिए पूरा निवाड़ से वाड़ तोड़ ताड़ के ऐसी तैसी कर दिए हैं। तो मैं मकान के काम में कोई ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं हूँ, मेरे को आराम से भी मकान का काम अपना होता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग प्लास्टर का काम अंदर की तरफ काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बस ये धार कोर जो होते हैं वो सब का काम चल रहा है, इन सब चीज़ों का देखिए, ये सब चीज़ों का जो है अभी काम चल रहा है फिनिशिंग का, बाकी अंदर के प्लास्टर तो शायद लगभग कंप्लीट होने के कगार पे ही है। इसका डिज़ाइन करने के लिए मेरे को काफ़ी, मतलब 2-3 बार मैं चेंजेस किया हूँ, तब कहीं जाके इस डिज़ाइन को फाइनल किया हूँ। मेरे को इस जगह में पूरा का पूरा, खासकर मेरे को पूरा जो मकान था वो पूरा वेंटिलेटेड चाहिए था, मतलब पूरा का पूरा खुलापन चाहिए था वहाँ, जैसे अपन लाइट भी अगर गोल हो जाए ना तो पूरा का पूरा जो है घर उजाला हो जाए, मैं वैसा बनाना चाहता था, उसी वजह से वैसा सब कुछ सेटअप किया हूँ। ये सामने खिड़की है देखिए, लाइट भी गोल हो गया तो इस खिड़की से इस खिड़की में लाइट का प्रवेश होगा, और ये जो आप लोगों को फिलहाल उजाला दिख रहा है, फिलहाल जितना उजाला दिख रहा है इस मकान पे, अभी तो लाइट है नहीं, तो जैसा अभी दिख रहा है मतलब सेम वैसे ही दिखना है। और अभी तो ये मान के चलिए कि ये सब पूरे प्लास्टर है, जब ये वाइट कलर की पुताई होगी, चाहे जो भी सेटिंग होगा, चाहे जैसा भी होगा, उस समय और भी ज़्यादा उजाला दिखने लगेगा। तो बस इन सब बातों को करते करते हमारे सूर्य देवता बस प्रवेश कर चुके हैं आसमान पे, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहाड़ के जस्ट राइट साइड में हमारे सूर्य देवता का निकलना हो चुका है, तो देखिए सूर्योदय। हमारे बाएं तरफ देखिए पहाड़ का ये सुंदर स्वरूप, और इधर हमारे सूर्य देवता का निकलना हो चुका है, बस कुछ ही देर हुए हैं जो आसमान पे हमारे सूर्य देवता का भी दर्शन हुआ है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये जो रूम है, इस रूम पे जैसे ही सुबह उठेंगे यहाँ पे लगा हुआ होगा बेड, मतलब इसी जगह पे बेड होगा, और यहाँ पे अपन लेटे लेटे सिर इस जगह पे होगा, और यहाँ लेटे लेटे इस
दृश्य को देखने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। ये देखिए, बस ये दृश्य देखते देखते एक टेबल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा लाल चाय और चाय की कप यहाँ पे रहेगी, और एक टेबल यहाँ पे लग जाएगा एक छोटा सा, तो एक टेबल यहाँ पे रहेगा और एक कुर्सी यहाँ पे लग जाएगा, और सामने कुछ ऐसा दृश्य होगा। और ऐसे ही कुछ मज़ा हम लोग जब गैंगटॉक गए थे, सिक्किम गए थे, उस समय वहाँ का जो खिड़की था, खिड़की के बाद जो पहाड़ का नज़ारा दिखता था, बस वहीं पे हम लोग बैठ के आराम से उस दृश्य का आनंद लेते रहते थे गैंगटॉक पे। तो वैसा ही कुछ छोटा सा उस जगह का एक प्रतिरूप हम लोग को यहाँ पे ही भोगने का अवसर मिलेगा। हालांकि उस लेवल का नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलेगा। तो बस आप लोगों से बात करते करते काफी समय हो चुका है, अब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ। अब जो पेय पदार्थ हमारा बन रहा था वो काफी देर हो चुका है, मैं पी नहीं पाया हूँ, तो अब मेरे को परम इच्छा हो रही है उस पेय पदार्थ को पीने की, तो मैं चलता हूँ नीचे। तो अब मैं लूंगा पेय पदार्थ आनंद। तो आप लोग भी बोल के देखिए, पेय पदार्थानंद। फिर से बोलिए, पेय पदार्थानंद। आज मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाया आप लोग से बातें करते करते, नजारे देखते देखते, हल्का फुल्का जो भी किया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये परसों फिर से एक पिकअप आया था बाहर की तरफ से कहीं से, तो वहाँ से ये हम लोग लगभग 47 किलो प्याज ले लिए थे 12 रुपए के, 47 किलो प्याज ले लिए थे 11 रुपए के भाव से। फिलहाल यहाँ पे चल रहा है 20 रुपए किलो। और फिलहाल देखिए, जैसे ही मौसम गड़बड़ किया, कपड़े सीढ़ी के इस स्टैंड में भी सूखने चालू हो गए। आ चुका है लाल चाय। हाँ? तो लाल चाय पी लिया, उसके बाद गिलोय का रस भी आ जाएगा। तो ये मैं भाप ले लिया हूँ, देखिए पूरे चेहरे पे वो भाप लेने के कारण ये पानी पानी पूरा दिख रहा है। और दूसरी चीज, तो ये मैं जला दिया हूँ कपूर। कपूर का धुआं पूरे घर पे फैलना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो पूरा एक डब्बा आप लोग जो पाउडर देख रहे हो ना, इसमें बादाम, काजू और पता नहीं क्या क्या मेवा आइटम ये पीस के बनाई हुई है। पूरा एक डब्बा मतलब ये लगभग 1 किलो से भी ज़्यादा है। ये सब पीस पीस के कुछ आइटम बनाए हैं, जिसको सुबह और शाम एक एक चम्मच में लेता हूँ। मैं लास्ट में बताऊंगा इसमें है क्या, मैं वो अभी है नहीं निशा, नहीं तो मैं चिल्ला के पूछ लिया होता। और ये दूध दूध में डालता हूँ मैं एक चम्मच, फुल एक चम्मच मैं ये डाला हूँ, काफ़ी शरीर के लिए एनर्जी वाला चीज़ रहता है ये। हाँ कि क्या बताओ, रोड से जाना है क्योंकि यहाँ पे दो रोड है, एक दिखा रहा था रिजंगला और एक दिखा रहा था तामा। सो देखते हैं, मैप देखने से शायद पता चले कुछ। तो फिलहाल ये है मेरे टाइम पास करने का सबसे बड़ा जरिया, और सुबह से शाम तक मैं सिर्फ हिमालय से संबंधित वीडियोस देखते रहता हूँ, कभी लद्दाख का, कभी सिक्किम तरफ का। और अभी मैं नहा धो के हो गया हूँ एकदम फ्रेश, बड़ा टंच टंच महसूस हो रहा है, जैसे कसरत वगैरह में करने के बाद। अभी तो खैर 9:30 बज गया है, कसरत करने के बाद आया, उसके बाद कुछ देर रेस्ट किया क्योंकि शरीर में पसीना पसीना था, तो फिर कपड़े वगैरह धो के मैं ऊपर की तरफ सुखा दिया और शेविंग भी कर लिया हूँ। जो शेविंग वाला आता है ना जिलेट, उसे शेविंग कर लिया हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है शेविंग करने के बाद। लद्दाख में एक तुरतुक विलेज है, उस विलेज को देखने के बाद तो मान के चले कि मन में और दिल दिमाग में भूचाल सा आ गया कि मैं कब वहाँ पर पहुँचूँ। तो जैसे ही ये सब चीज़ ठीक होगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लद्दाख जाने के लिए। भी पहुंच गया, रोटी अचार भिंडी की सब्जी, फिर से स्टार्ट कर दिया जाए। कल्ले कल्ले जावे जाने ओ, डू यू वांट टू ट्राई द शॉर्टकट, ये रोड बहुत मस्त है।
लोमा से लेके हमले तक, लोमा नहीं एक्चुअली सागा से लेके हमले तक रोड बढ़िया रोड। बस ये देख के अपना लद्दाख टूर याद आ जा रहा है। लद्दाख जो हम लोग टूर किए थे उसका एक एक हिस्सा, एक एक वो पल याद आ रहा है जो फिर से जीने का मन कर रहा है।